और अब हम आपको दिखाते हैं कश्मीर से कुपवाड़ा तक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, कैसे सीमा सड़क संगठन के रणबांकुरे पाकिस्तान और चीन के दांत खट्टे कर रहे हैं। इस साल बर्फबारी ने कश्मीर में 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसी साल दुश्मन देशों की चुनौतियों को देखते हुए बीआरओ ने यह प्रण लिया कि किसी भी कीमत पर किसी भी चुनौती के सामने इन पासेस को बंद नहीं होने देंगे जो हमारी सीमाओं को जोड़ते हैं। आज हम हजारों फीट की ऊंचाई पर इन्हीं वीरों के हौसलों को मापने के लिए आए हैं। गर्मी के महीने होते हैं उसमें निर्माण के काम को बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना, और जब इस तरह का मौसम हो जाता है, चूंकि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, बहुत ऊंचाई, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत ऐसा ही मौसम, आपको विषम परिस्थितियां रहती हैं। तो ऐसे में जो बीआरओ है वो एक लाइफलाइन के तौर पर सेना के लिए भी और सिविलियंस के लिए भी बीकन यहां पर कश्मीर में हम समझे उसकी जिम्मेदारियां रहती हैं। सर, हम लोगों की यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं बीकन की वैली में, रोडों का निर्माण करना, उनको मेंटेन करना, और जो कनेक्टिविटी है अपने बॉर्डर एरियाज में आर्मी के लिए उसको प्रोवाइड करना। इतनी ऊंचाई पर इतने ठंड में आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने? इस ऊंचाई में अगर यहाँ के लोगों की अगर हम हेल्प कर सकें, इससे अच्छा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर हम देश की रक्षा में जो जवान आगे तैनात हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो अपने जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं जो तंगधार या कैरन सेक्टर में रह रहे हैं या किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनके लिए हम किसी भी तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है, एंड अगर हम ऐसे लोगों की सहायता कर सकें जो बीमार हैं और इनको फंसे हुए हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा मोटिवेशन की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह से जब बर्फ से रास्ता भर जाता है तो क्लियरेंस के बाद एक तरफ की ट्रैफिक को इजाजत मिलती है, लेकिन बीआरओ यहां पर बीकन अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें कांटेक्ट करके आप लोग फिर निकल, जैसे कि एम्बुलेंस उसी में शामिल हो। जब एवलांच वार्निंग यहां पर काफी रहते हैं, ये एवलांच प्रोन एरिया है, और जब भी लेकिन हम जब भी हमको ऐसी कोई कॉल आती है कि कोई स्टैंडर्ड पेशेंट यहां पर फंसे हुए हैं या कोई डिजीज बॉडी या डेड बॉडीज, बहुत बार ऐसा होता है कहीं फंसे होते हैं, तो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हुए एवलांचेस को क्लियर करते हैं और अब जो यहां पर पेशेंट्स फंसे मदद करके उन्हें निकालने के लिए उनको आगे निकाल देते हैं। जो चुनौतियां यहां पर हैं उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एवलांच की हर स्तर की वार्निंग होती है, और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है एवलांच की चौथे स्तर की वार्निंग, उसमें भी बाकी भले अंदर रहें, सेना को भी कहा जाता है प्रोटेक्ट करिए, लेकिन एक सैनिक है हमारे जो बाहर रहते हैं। आप लोग, ये जो एरिया है ये भी एवलांच प्रोन एरिया है? हाँ, ये इस इलाके का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एवलांच साइट्स है। यहाँ पर वी हैव कैजुअल्टी रिपोर्ट्स एवरी ईयर, एंड लकीली इस साल अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। एंड अभी आपके सामने एज यू हैव कम स्लाइड आया था विच वी आर क्लियरिंग ताकि ये रूट ओपन रहे। क्या चीज होती है जिसकी वजह से लगता है कि कितनी भी ठंड पड़ जाए, रात का कोई भी समय हो, लेकिन हमें काम करना है और लक्ष्य? हम लोगों को देश के जवानों के लिए जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे ड्यू भी है, ब्रिगेड भी है, और नियरली 1.5 लाख की सिविल पॉपुलेशन है, उनमें मेडिकल इमरजेंसी केसेस होता है, और हमारे जवानों के लिए बॉर्डर तक जाना हमारे देश की सुरक्षा की नज़र से हम लोग दिन रात मेहनत करके हम अपने रोड को ओपन करके रखते हैं। बीआरओ एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपको यहाँ पर सेना का अनुशासन भी है क्योंकि इसमें सैनिक भी हैं, और यहाँ पर तकनीकी दिमाग भी है क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, और इन सारी चीजों को मिलाकर ये एक ऐसी संस्था बनती है जो किसी भी मुश्किल हालात में किसी को भी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहती।
यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सड़क यहाँ पर खोली जा रही है। बीकन होने से मदद हो जाती है आप लोगों को? बहुत बिल्कुल मदद होती है। टनल की मांग है यहाँ पर, लेकिन जब तक टनल नहीं है और ये सड़क है तब तक आप लोगों के लिए क्या ये लाइफलाइन साबित होते हैं बीआरओ बीकन के जो? हाँ ये यहाँ पे बड़े दिन रात काम करते हैं, इनकी बड़ी मदद रहती है सैनिकों के साथ, और कभी अगर गाड़ियाँ फंस जाती हैं ये निकालने की कोशिश करते हैं तो आवर टाइम में भी काम करते हैं, इनका बड़े हमें हेल्प है। चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जहाँ पर होते हुए निर्माण से अगर चीन चिढ़ता है तो उसके पीछे कौन है? बीआरओ के जवान। चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो जहां पर लगातार अगर कनेक्टिविटी बनी रहती है तो उसके पीछे कौन है? यही वो चेहरे हैं बीआरओ, जो दिन रात किसी भी समय आपकी सेवा में हाजिर जरूर रहते हैं, चाहे इनका कामकाज नजर आए चाहे नहीं आए, चाहे ये वर्दी में आपको दिखें या ना दिखें, लेकिन इनका जो समर्पण देश के लिए है उसमें भी कोई कमी नहीं रहती। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, कुपवाड़ा आज तक।